हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द बैरियर टू प्रयागराज। मैं तू शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे का इनिशियलाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने समझा कि अरे क्या है, अरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, और अरे से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने की। अब हम पॉइंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज अरे का इनिशियलाइजेशन, क्या होता है। तो देखो, द मीन्स ऑफ इनिशियलाइजेशन इज पुटिंग द वैल्यू इन टू द वेरिएबल। देखो दोस्तों, जब भी हम कभी कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, इसका मतलब मेमोरी में कहीं ना कहीं ए नाम का क्या बना है, कोई एक जगह बनी, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी रहती है। जो वैल्यू नहीं रखी रहती है तो कंपाइलर हमारा जो होता है या फिर हमारा जो कंप्यूटर होता है, इसकी जगह पे अपने से कुछ ना कुछ वैल्यू रख देता है। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू के भी नाम जानते हैं। लेकिन जब कभी हम मान लो इसके अंदर, मान लो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस ए के अंदर क्या रखा जाएगा, फाइव रखा जाएगा। यही इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पुट करना, ये क्या कहलाता है, हमारा इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो कि इनिशियलाइजेशन क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि अरे का इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। कई तरीके होंगे अरे को इनिशियलाइज करने के, तो एक एक तरीके पे हम धीरे धीरे क्या करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं। ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल बनाते समय ही अगर हम उसकी वैल्यू को पुट कर दें तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन को हम एक और नाम जानते हैं, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन। तो जैसे मान लो कि हमने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, इंटीजर ए बनाया, और ए बनाने के साथ ही हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फाइव लिख दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा कि ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। मतलब वेरिएबल बनाते समय ही अगर हम कोई ना कोई इनिशियलाइजेशन कर दें तो क्या हो जाता है, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन हो जाता है। ये तो हम सिंपल वेरिएबल पे देखें, लेकिन अरे में ये कैसे होता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए। एन अरे कैन बी आल्सो इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब अरे को भी डिक्लेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाते टाइम पे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो नॉर्मल वेरिएबल है उसको तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर ए फाइव। लेकिन जो अरे होता है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ वेरिएबल सिमिलर टाइप। सो अरे मान लो हम यहाँ पे हमने बनाया इंटीजर ए ऑफ थ्री, ये हमने कोई एक अरे बना दिया। अब इसमें हमें पता है कि इसके अंदर हमें तीन वैल्यू रखनी है, तो इसका इनिशियलाइजेशन हम कैसे करेंगे। सो इसके इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट को बनाना पड़ता है। किसको बनाना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। कर्ली ब्रैकेट को ऑन करने के बाद जिन वैल्यूज को हम रखना चाहते हैं उन वैल्यूज को कामा के साथ में सेपरेट करते हुए हमें क्या करना है, लिखना है। और जब हमारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, या फिर जब अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, उस केस में क्या होगा कि हमारा ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और सेमी कोलन लग जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर इंटीजर मान लो हम बनाते हैं ए ऑफ थ्री। क्या बनाते हैं, इंटीजर ए ऑफ थ्री। तो हमने यहाँ पे बना दिया भाई इंटीजर ए ऑफ थ्री। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है तो कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, मान लो हमें रखना है 5, 10, 15। इतना करने के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना, सेमी कोलन लगा देना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरे के अंदर तीन ब्लॉक बने, कौन कौन से, एक बना ए ऑफ जीरो जिसके अंदर पहली वैल्यू चली जाएगी मान लो 5, दूसरा बनेगा ए ऑफ 1 जिसके अंदर वो दूसरी वैल्यू जाएगी जो हो गया हमारा 10, तीसरा होगा हमारा ए ऑफ 2 जिसके अंदर हम क्या रखेंगे अपना 15। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, अरे का इनिशियलाइजेशन होता है अन टाइम तरीके से, बिल्कुल सिंपल होता है। और कभी कभी इन केस क्या करते हैं कि हम लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर जी मान लेते हैं हमने कम वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो क्या होगा। तो आप देखिए, एक मान लेते हैं आपने इंटीजर ए ऑफ 2 बनाया है जबकि आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपको समझ आया कि सर इसके अंदर तो केवल दो ही ब्लॉक बनेंगे, एक तो बनेगा ए ऑफ 0 और दूसरा बनेगा हमारा ए ऑफ 1, लेकिन बाकी की वैल्यूज का क्या होगा। तो दोस्तों, ये बाकी की वैल्यू, ये तो वैसे करना गलत है लेकिन हमारे मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो केवल 1 और 2, पहली 2 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, बाकी की वैल्यूज को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जब जैसे मान लेते हैं कि हम कभी कम करते हैं, तो उस केस में मान लेते हैं हमने बनाया इंटीजर ए ऑफ 10 और इसके अंदर बराबर हमने क्या करी, केवल एक ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, क्या 1।
बाकी जगह को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल पहले वाले ब्लॉक मतलब ये आप जीरो पे या वन इनिशलाइज हो जाएगा, बाकी सारे ब्लॉक क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बात जो इससे एग्जाम में पूछा जाता है यही पॉइंट से रिलेटेड, कि मान लो कभी हम क्या करते हैं, हमने बनाया इंटीजर ए ऑफ टू और इसको हमने इनिशलाइज नहीं किया, तो इसके दोनों ब्लॉक में ए ऑफ जीरो में और ए ऑफ वन में, दो के दोनों ब्लॉक में क्या होगी, गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। कैसी वैल्यू स्टोर होगी, गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन अगर मान लो हमने इसका इनिशलाइजेशन कर दिया, पहले वाली ब्लॉक में हमने जीरो ही रख दिया, तो भी सारे के सारे ब्लॉक से गार्बेज वैल्यू हट जाएगी और जहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, मान लो जीरो की जगह पर हमने फाइव किया होता तो पहले वाले ब्लॉक में फाइव आ जाएगा और दूसरे वाला ब्लॉक में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये थी एक कॉन्सेप्ट, यह थे एक पॉइंट जो हम समझते हैं कभी कभी प्रिंट कराने को लेके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो ब्लॉक मान लो, तो हम मान लो हमने इनिशलाइज कर दिया किसी एक भी ब्लॉक को, तो बाकी ब्लॉक पे बाकी बचे हुए ब्लॉक पे जिसको इनिशलाइज नहीं भी किया गया है, उनकी जगह से गार्बेज वैल्यू हट के क्या आ जाती है, जीरो आ जाता है। सो आई होप आप डू यू अंडरस्टैंड। सो द इनिशियल वैल्यू आप हमने अरेंज इन ऑर्डर विच दे विल बी असाइंड एंड इनक्लोज बेसिस एंड सेपरेटेड बाई कामा, मतलब जिस ऑर्डर में वो बनाए जाएंगे लिखे जाएंगे उसी ऑर्डर में क्या होंगे, वैल्यू स्टोर होगी। और जैसे हमने बनाया यहाँ पे ए एफ टेन में 92, 35, 64, 89, तो इसी ऑर्डर में यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इनिशियलाइजिंग वैल्यू इन इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, आप अरे के इंडिविजुअल ब्लॉक में भी क्या कर सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई इंटीजर यम ऑफ फाइव बनाया, तो आप यम ऑफ जीरो पे ऐसे भी बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यम ऑफ वन पे भी बना सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों क्या होता है, हम कोई वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर ए, और ये बनाने के बाद हम नीचे कहीं पे भी ए अप टू ए साइन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पे हमने इनिशलाइजेशन किया है। इसके पहले वाला जो था वो था डिक्लेरेशन विथ इनिशलाइजेशन, तो वहाँ पे डिक्लेरेशन करते टाइम पे इनिशलाइज कर देते, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशलाइजेशन हमने अलग अलग किया है। सो इस तरीके से भी हम हर एक ब्लॉक में, इंडिविजुअल ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हाँ बस इस तरह, जैसे वहाँ पे इससे पहले वाले जो डिक्लेरेशन विथ इनिशलाइजेशन में था, वहाँ पे क्या था कि हमें पहला वैल्यू यम ऑफ जीरो पे जाती थी, अगली वैल्यू यम ऑफ वन पे जाती थी। तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल ब्लॉक में हम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले यम ऑफ जीरो को इनिशलाइज करिए, आप पहले यम ऑफ टू को इनिशलाइज कर दीजिए, फिर आप यम ऑफ वन को इनिशलाइज करिए, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होने वाली है, ठीक है। और सम मोर डिक्लेरेशन आप अरे विथ इनिशियल वैल्यू, कुछ और तरीके से भी हम कर सकते हैं। और जैसे मान लो डिक्लेरेशन इज रेयर बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट इज इम्प्टी, तो मतलब पहली चीज़ तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पे इस तरीके से ये लिखना गलत हो गया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता, और जब कभी स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक होगा उस केस में लगे हाथ मतलब डिक्लेरेशन विथ इनिशलाइजेशन हमारे लिए करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे हमारा जो कंपाइलर है वो ये समझेगा कि हमारा जो ये वेरिएबल है इसमें इतने ब्लॉक बन गए, मतलब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एज ऑफ 7 नाम का मेमोरी क्रिएट कर लेगा, 7 ब्लॉक क्रिएट कर लेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम इसको ब्लैंक रखें, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को या फिर इंडेक्स को स्थान को हम क्या करें, ब्लैंक रखें, उस केस में अगर आप उसके बाद करते हो ए ऑफ 0 बराबर 5, मतलब इंडिविजुअल ब्लॉक में करते हो, तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से लिखना बिल्कुल सही होगा, कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। लेकिन जब भी आप करिएगा तो आप इस तरीके से ना करने की कोशिश करिए, और सिंपली तरीके से करने की कोशिश करिए, जो कि रूल में हमने आपको इससे पहले सिखाया। दूसरा टाइप टू है यहाँ पे, इफ़ यू डिक्लेयर एन अरे बट अनइनिशियलाइज्ड देम देन प्लेस ऑफ वैल्यू ऑटोमेटिक गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड। जब हम कोई वैल्यू कोई अरे को बनाते हैं और उसको अनइनिशियलाइज आता है, मतलब उसको अनइनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पर क्या स्टोर होता है, गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है। इफ़ यू डिक्लेयर एन अरे मोर देन साइज यूजिंग डेटा देन इन द इम्प्टी प्लेस ऑटोमेटिक जीरो इनिशियलाइज्ड। मान लो जब कभी हम कोई अरे साइज से ज़्यादा, मतलब हमें 5 डेटा के रखने की जरूरत है, लेकिन हमने अरे की साइज क्या बना लिया, 10 बना लिया, तो जितनी जगह पे हम डेटा रखेंगे वहाँ पे तो डेटा रहेगा ही, लेकिन बाकी बचे हुए स्थान पे ऑटोमेटिक जीरो इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने इंटीजर ए ऑफ 10 बनाया, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू को इनिशियलाइज किया, तो 5 प्लेस पे वैल्यू इनिशियलाइज है, बाकी वाले प्लेस पे ऑटोमेटिक जीरो आ गया।
तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। वी कैन नॉट स्टोर डेटा इन द अरे मोर देन साइज ऑफ अरे, हम अरे के अंदर साइज से ज़्यादा डेटा को क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमने इंटीजर अरे ऑफ 3 बनाया, 25, 26, 45, 78, 49, 37, 87, तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या करेगा, एक एरर आएगा। दूसरी बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। कैसी बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ तो उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई इंटीजर वैल्यू बनाया, इंटीजर एक कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाया आपने, और आप प्रिंटअप और स्कैनअप के थ्रू अगर इसकी वैल्यू यूजर से लेते हैं, और मतलब रन करते टाइम पे इसकी वैल्यू की नीड होती है, तो ऐसे इनिशियलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि यूजर जो इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, जो इस प्रोग्राम को चला रहा है, वो क्या करे, अपने डेटा को इंटर करे, वही क्या कहलाता है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो अरे के अंदर हम यूजर के थ्रू कैसे वैल्यू इनपुट करेंगे, ये जरा समझते हैं। तो इस रन टाइम इनिशियलाइजेशन के यहाँ पे मैं दो मेथड्स आपको सिखाने वाला हूँ। दोनों मेथड्स का मतलब यही होगा कि अरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना। सो आप एक एक को समझ सकते हैं ध्यान से। मान लो हमने इंटीजर या फाइव बनाया, इंटीजर या फाइव बनाया, फिर हम स्कैनअप पर्सन साइन डी ए आप जीरो लिख सकते हैं, स्कैनअप ए आप वन, स्कैनअप पर्सन साइन डी ए आप टू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो फिर सारी चीज़ों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, ये भी आपने सीखा। चाहे हम इस तरीके से लिखें और चाहे हम इस तरीके से लिखें, दोनों तरीके, चाहे ये वाले तरीके हम अपनाएं चाहे ये वाले तरीके अपनाएं, दो के दोनों तरीके हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर हैंडलिंग स्माइल साइज ऑफ अरे, दिस इज नॉट मोर यूजफुल फॉर लार्ज अरे। मतलब जब कभी अरे हमारे क्या होंगे, बड़े होंगे, तो ऐसे अरे को हैंडल करने के लिए ये हमारे डेटा उपयुक्त नहीं होंगे। जैसे मान लो अरे की साइज हमने क्या ले ली, 100 ले ली। अरे की साइज अगर हमने 100 ले ली, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, कि इस डेटा को हम इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। इस डेटा को अगर हम इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला वाला मेथड है जो आपने अभी तक आपने सीखा कि सिंपल मेथड में, इस मेथड में हम लोगों के पास थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, कि हम लोग इस तरीके से केवल छोटे साइज वाले एरे की ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर मान लो 100 हो गया, तो हमें 100 टाइम परसेंट साइन डी लिखना पड़ेगा, 100 टाइम एड्रेस ऑफ ए आप जीरो ए आफ 99 तक लिखना पड़ेगा, और ये लिखना थोड़ा सा बोरिंग होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग फॉर लूप की मदद से भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप के मेथड से हमने ये सीखा कि अगर कोई भी चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो इंटीजर या 50, इंटीजर या 50 हमने कोई एरे बनाया और इंटीजर आई बनाया, आई हमारा यहाँ पे काउंटर वेरिएबल का काम कर रहा है, और हमने लिखा फॉर आई असाइनिंग टू जीरो। और यहाँ पे देखना है आपको, एक बात समझनी है कि जब भी कभी हम एरे के लिए लूप चलाएंगे, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरे का इंडेक्स जो होता है वो हमेशा और हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा। आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस, फिर हमने लिखा स्कैन ऑफ पर्सन साइन डी एड्रेस ऑफ पे ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए, इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इट इज़ सिंपल, बहुत आसान होता है। पहली चीज़ तो हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर मान लो ए आप जीरो बना होगा कहीं पे, ए आप वन बना होगा, ए आप टू बना होगा, इस तरीके से होगा। और स्कैनअप के अंदर हमने लिखा है पर्सन साइन डी और फिर एड्रेस ऑफ ए आफ आई। तो पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, जीरो। तो पहला जो डेटा जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, ए आफ जीरो पे जाएगा। तो जो यूजर पहली वैल्यू इनपुट करेगा वो ए आफ जीरो पे इनपुट करेगा, और फिर उसके बाद ये लूप की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो फिर ये वापस जाएगा, फिर ये वापस जाएगा, तो एक आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो दूसरा डेटा जो जाएगा वो ए आफ वन पे जाएगा। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 49 तक ये डेटा क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। इन दिस मेथड वी राइट स्कैनअप इनसाइड लूप लूप बॉडी एंड सब। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं भाई, लूप बॉडी के अंदर स्कैनअप को लिखते हैं, एंड सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द लूप। जो सबस्क्रिप्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लूप के काउंटर वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। एंड स्कैनअप एग्जीक्यूट्स नंबर ऑफ टाइम लूप रन, और स्कैनअप उतनी बार रन होगा जितनी बार हमारा क्या लिखा रहेगा, लूप लिखा रहेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अरे, जैसे ही इनिशियलाइजेशन होगा वैसे ही डिस्प्ले होगा। सिंपल मेथड से भी आप ऐसे प्रिंटअप लिख के कर सकते हैं, और लूप के तरीके से भी आप ऐसे कर सकते हैं। लूप के अंदर बस हमें प्रिंटअप लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लूप के मेथड से आपने देख लीजिए, और ये जो प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू एंटर एन एलिमेंट्स इन एन अरे थ्रू द यूजर एंड आल्सो प्रिंट देम।
और द वैल्यू ऑफ एन इज इनपुटेड थ्रू द कीबोर्ड। ये यूजर चाहेगा कि सरे में अंदर कितना डेटा हम रखें। सो इस प्रोग्राम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।